अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम कुलदीप नामदेव और हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, कंडीशन जो है ऑब्जेक्ट की यानी कि सॉलिड की वो है एक्सिस इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP। यानी कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को यानी कि सॉलिड को HP से इंक्लाइन करेंगे उस समय ये VP के पैरेलल भी रहेगा, यानी कि इसकी एक्सिस VP के पैरेलल भी रहेगी। अब इस पे आइए, देखिए क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है अ पेंटागनल प्रिज्म ऑफ 25 mm बेस साइड एंड 50 mm एक्सिस लेंथ। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है यानी कि जो सॉलिड है इस प्रॉब्लम में वो है पेंटागनल प्रिज्म। तो आइए पेंटागनल प्रिज्म देख लेते हैं एक बार। तो ये ऑब्जेक्ट जो नज़र आ रहा है दिस इज अ पेंटागनल प्रिज्म। ओके, अब इसमें क्या है, बेस की जो साइड है यानी कि ये बेस की जो साइड्स हैं वो किसके बराबर हैं, 25। आपको ऑलरेडी पता है अगर ये पेंटागनल प्रिज्म है तो इसमें जितनी भी साइड्स होंगी बेस की वो आपस में बराबर होंगी। और इसकी एक्सिस की लेंथ यानी कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है, दैट इज 50 mm इज रेस्टिंग ऑन द HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर्स with its axis inclined at 40 degree to the HP and parallel to the VP। यानी कि जब इसे हम HP से inclined करेंगे यानी कि इसकी axis को हम HP से inclined करेंगे कितने degree, 40 degree, और इसकी axis को VP से parallel रखेंगे, तब क्या होना चाहिए, तब बेस का एक कॉर्नर यानी कि जो उसका बेस है उसका एक कॉर्नर, कितने कॉर्नर होंगे बेस के, इसके 5 corners होंगे क्योंकि पेंटागनल प्रिज्म है। तो 5 साइड में से कोई भी एक साइड कहाँ होनी चाहिए, HP पर होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसको फुलफिल करते हुए हमें प्रॉब्लम को ड्रॉ करना है। तो जब हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे इसके फ्रंट और टॉप व्यू को हम देखेंगे तो हमें क्या HP पर दिखना चाहिए, बस एक कॉर्नर यानी कि बेस का एक कॉर्नर हमें HP पर दिखना चाहिए। जनरली हमें फ्रंट व्यू में नजर आएगा। अब क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ठीक है, व्हेन द बेस साइड्स कंटेनिंग द रेस्टिंग कॉर्नर आर इक्वली इंक्लाइंड टू द HP। इसको इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके प्रोजेक्शन से हम ड्रॉ करें और साथ साथ में जब इससे यानी कि इसकी एक्सिस को हम HP से इंक्लाइन करेंगे तो एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो कॉर्नर HP पर रहने वाला है, यानी कि मैं बात करूं सपोज इसको मैं इस तरह से रख के मैं इंक्लाइन, अभी कैसा है, ये ऐसा है, इस पोजीशन में रखा, जब इसको मैंने इंक्लाइन किया तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बेस कॉर्नर HP पे होना चाहिए। तो इस तरह से हम इंक्लाइन करेंगे यानी कि राइट साइड में अगर हम कॉर्नर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी एक्सिस को HP से इंक्लाइन करेंगे तो बेस का एक ही कॉर्नर HP से कॉन्टेक्ट बना के रखेगा यानी कि वो HP पर होगा। मगर इसमें एक चीज़ और दी है कि जो बेस कॉर्नर HP पर रहेगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में कहा है कि जो बेस कॉर्नर आप HP पे लेने वाले हैं उससे लगी हुई कोई दो साइड, यानी कि अगर ये बेस कॉर्नर HP पर रहेगा कब, जब मैं इसको इस तरह से इंक्लाइन करूँगा, तो ये जो बेस कॉर्नर HP पर रहेगा तो इससे बनने वाली दो बेस साइड कौन कौन सी हो गई, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, और इससे बनने वाली दो बेस साइड कौन सी हो गई, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड हो गई। वही चीज़ पे आपको ध्यान देना है। एक बार फिर क्वेश्चन को रिपीट कर दें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन में दिया है व्हेन द बेस साइड्स कंटेनिंग द रेस्टिंग कॉर्नर, रेस्टिंग कॉर्नर मतलब जब इसकी एक्सिस को हम HP से इंक्लाइन करेंगे तो कौन सा कॉर्नर HP पर रहेगा, उसी कॉर्नर की बात हो रही है। तो वो जो कॉर्नर है जब इसकी एक्सिस को हम इंक्लाइन करेंगे HP से, इसका जो कॉर्नर जब HP पर रहेगा तो उससे जुड़ी हुई दो बेस की साइड, एक तो ये साइड हुई, अगर ये कॉर्नर मैंने लिया तो एक ये साइड हुई और एक ये साइड हुई, तो इन दो साइड्स की बात हो रही है। तो जब मैं इसे इंक्लाइन करूँगा इस तरह से तो ये साइड और ये साइड दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वली इंक्लाइन टू HP, यानी कि HP से इक्वल एंगल बनाना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है वो HP से इक्वल एंगल बनाना चाहिए। अब वो HP से इक्वल एंगल कब बनाएगी, यानी कि इक्वल इंक्लाइन कब होगी, जब
ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ऑलरेडी अगर इसको इस तरह से आप रखेंगे, राइट साइड में कॉर्नर लेंगे, इस तरह से इंक्लाइन करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपको बस क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस ऑब्जेक्ट को आपको इस तरह से रखना है और एच पी से इंक्लाइन करना है। इंक्लाइन करते समय आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसमें राइट साइड में कॉर्नर आपको लेना है। जब इसकी एक्सिस को ऑलरेडी आप इंक्लाइन करेंगे, कितना एंगल दिया 40 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, जो कॉर्नर एच पी पर है उससे बनने वाली दोनों साइड होंगी बाय डिफॉल्ट वो बराबर एंगल मेंटेन करेंगी एच पी से, जो क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये इसकी पोजीशन है, हमें इसका फ्रंट और टॉप व्यू ड्रॉ करना है। हमें इसका ना तो फ्रंट व्यू बना पाएंगे ना टॉप व्यू बना पाएंगे, देन व्हाट वी विल डू, हमें यह करना है इसके पहले स्टेज को बनाना पड़ेगा। पहले स्टेज के लिए हम क्या करते हैं, जिस एक्सिस से ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है, किस एक्सिस किससे किस प्लेन से इंक्लाइंड है ये ऑब्जेक्ट, इसकी एक्सिस किस प्लेन से इंक्लाइंड है, एच पी से है। तो पहले स्टेज को बनाने के लिए इसकी एक्सिस को उसी प्लेन से कर देंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसके बेस को उसी प्लेन से कर देंगे पैरेलल, दोनों में से कुछ भी चीज़ समझ लीजिए, आप इस पोजीशन तक आ जाएंगे। तो इस पोजीशन को लेके मुझे क्या करना है, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करना है। याद रखें राइट साइड में मुझे कॉर्नर लेके ड्रॉ करना है, क्योंकि मैं इसको इंक्लाइंड इस तरीके से कर रहा हूँ, इससे राइट साइड में कॉर्नर होना कंपलसरी है। अगर राइट साइड में कॉर्नर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो कंडीशन थी क्वेश्चन में बेस का एक कॉर्नर एच पी पे होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, आपका क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा। तो यानी कि जो आप इसमें व्यू देख पा रहे हैं पहले स्टेज के लिए, वो है टॉप व्यू, यानी कि टॉप व्यू में एक पेंटागन नज़र आएगा, फ्रंट व्यू में आपको एक रेक्टेंगल जैसा कोई शेप नज़र आएगा। तो पहले क्या बनाएंगे, जिसमें आपको उसका बेस नज़र आए, यानी कि टॉप व्यू में आपको इसका एक बेस नज़र आ रहा है, यानी कि एक पेंटागन नज़र आ रहा है। तो पहले पेंटागन ड्रॉ करेंगे, आपको ऑलरेडी पता है कि टॉप व्यू का बनाते हैं हम एक्स वाई लाइन के नीचे, तो एक्स वाई लाइन के नीचे हम पेंटागन ड्रॉ करेंगे, जिसमें राइट साइड में क्या होगी, साइड होगी। ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर मैंने इसके टॉप व्यू को ऑलरेडी तैयार कर लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं वैसे ही ड्रॉ किया जैसा आपको अभी टॉप व्यू में दिख रहा था, पहले स्टेज में दिख रहा था, वैसे ही ड्रॉ करना है। यहाँ पे कितनी नेमिंग देनी, डबल नेमिंग देनी, क्योंकि बेस इसके दो हैं, एक बेस नीचे है और एक बेस ऊपर है, इसलिए इस तरह से नेमिंग करूँगा। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ तो ज़रूरत नहीं है, मगर सेंटर में क्या करूँगा, इस पर मैं दो नाम दे देता हूँ, एक का नाम देता हूँ O1, एक को देता हूँ मैं O2। O नाम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एपेक्स नहीं है हमारे पास, अगर एपेक्स होगा तो उसको आप O नाम से रिप्रेजेंट करोगे, नहीं तो अगर प्रिज्म है, कोई सा भी प्रिज्म है, तो आप वहाँ पे O1 O2 नाम से रिप्रेजेंट करोगे, O नाम लेने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। अब इसे फटाफट हम ड्रॉ कर लेते हैं, कैसे ड्रॉ करना है, पहले ड्राफ्टर चेक करता हूँ, ड्राफ्टर ठीक है कि नहीं है, ड्राफ्टर इस ओके। अब सारे जितने भी लोकेशंस हैं, सारे पॉइंट्स को सबको प्रोजेक्ट करते हुए, इंक्लूडिंग एक्सेस, सबको कहाँ लेके जाना है, एक्स वाई लाइन तक लेके जाना है। तो सबको मैं पहले एक्स वाई लाइन तक लेके आया, सबको पता है कि पहले हमें क्या करना है, फ्रेम को तैयार करना है। कभी भी आपको ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू किसी प्रिज्म का या सिलेंडर का, तो पहले इसकी आउटर बाउंड्री, यानी कि इसकी पहले फ्रेम बनाया करते हैं हम। तो फ्रेम में इसकी हाइट कितनी थी, हाइट थी 50 mm, तो मैं यहाँ से जाता हूँ लेंथ लेके 50 mm, तो यहाँ से मैं गया 50, तो ये पॉइंट मैंने मार्क किया, ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, कितनी लेंथ है 50 है, यहाँ से भी मुझे ऐसा ही करना है, तो 50 mm की लेंथ है, मुझे यहाँ जाना है, तो 50 mm की लेंथ मैंने यहाँ पे इसे मार्क किया, यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ की है डार्क, और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ड्राफ्टर के इस स्केल से ज्वाइन कर लिया, तो इसका आउटर बाउंड्री आने की जो रेक्टेंगल था मुझे नज़र आया, तो मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। ये चारों साइड डार्क रहेंगी इंक्लूडिंग दिस बेस लाइन, कई स्टूडेंट्स को डार्क करना भूल जाते हैं। अब बात कर रहे हैं एक्सिस लाइन कैसे ड्रॉ करूँ, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। अब देखिए O1 O2 एक्चुअल में है एक्सिस, मगर टॉप व्यू में आपको एक पॉइंट से नज़र आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कोई एक्सिस है, अगर एक्सिस ऐसी है तो आपको उसकी फुल लेंथ नज़र आएगी, मगर एक्सिस अगर एच पी से परपेंडिकुलर है तो आपको ऐसा पॉइंट नज़र आएगी। तो वही चीज़ है, ये है एक्सिस O1 O2, मगर टॉप व्यू में आपको वो लाइन नज़र ना आके आपको ऐसा पॉइंट वो विजिबल है। अब मैंने बताया था आपको पॉइंट इस लाइन के, यानी इस पॉइंट के लाइन में आगे या पीछे, अगर दोनों तरफ कोई भी पॉइंट नहीं हो तो इसका मतलब एक्सिस को आप एक्सिस लाइन से ही ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक्सिस को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्सिस लाइन से। और याद रखिए एक्सिस लाइन कैसी होनी चाहिए, ये लाइन लाइट होनी चाहिए, इसे कभी भी हम डार्क ड्रॉ नहीं करते हैं। अब इसकी बात करें तो ये यहाँ से आप देखेंगे
तो यहाँ से आपको ये C3 विजिबल होगा, यानी कि जो स्ट्रेट एज है ये C3 कैसी बनेगी, डार्क बनेगी। तो इसे मैं कैसे बनाऊंगा, इसे मैं डार्क लाइन से ड्रॉ करूंगा। हाँ, E5 नाम की स्ट्रेट एज है, ये आपको यहाँ से विजिबल नहीं है पीछे वाला हिस्सा, मगर इसके पीछे ये हिडन है, छुपी हुई है। इसको पहले प्रेफरेंस देंगे, यानी कि इसको आप डार्क बनाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में भी सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन के लिए मैं एक्सटेंशन लाइन यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, इसी लाइन को कंटिन्यू करता हूँ, ये लाइन यहाँ से मैं यहाँ इसको लेके जाता हूँ। यहाँ मैं दो एरोज़ बना लेता हूँ। याद रखिए, जहाँ पे एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन मीट होती है वहाँ पे हमेशा एक एरो हम ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं इसकी लेंथ थी 50, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ 50। अब सब फटाफट इसके नेमिंग हम कर लेते हैं। ऊपर कर देता हूँ 1 2, 1-2 हो गया, ये हो गया O1, ये हो गया 3 और 5, यानी कि 3-5 और ये हो गया 4, ये हो गया A-B-, ये हो गया O2-, ये हो गया C और E, यानी कि C-E-, लास्ट वाला हो गया D-। नेमिंग करना आपको ऑलरेडी पता है, हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो पहला स्टेज पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका टॉप व्यू ये रहा, इसका फ्रंट व्यू ये रहा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूंगा तो मुझे ये नज़र आएगा, और इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे ये नज़र आएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे स्टेज की। और दूसरे स्टेज में करना क्या है, मुझे इसे इंक्लाइन करना है, इसे इंक्लाइन करना है। ठीक है, अब इसे इंक्लाइन करेंगे हम, तो हमें क्या करना है, इसका बेस का एंगल चाहिए। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि बेस के एंगल को हम पहले फाइंड करेंगे और बेस लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। अगर मैं एक्सिस को लाइन को ड्रॉ करूंगा पहले, तो वहाँ पे मुझसे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और वो सही तरीका इसको बनाने का नहीं है। तो इसमें एक्सिस का एंगल दिया है क्वेश्चन में, एक बार देख सकते हैं, एक्सिस का एंगल दिया है, कितना एंगल दिया, 40 डिग्री, यानी कि एक्सिस का एंगल 40 डिग्री हो गया। तो बेस का एंगल निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, 90 डिग्री में से एक्सिस के एंगल को माइनस करते हैं, तो 90 माइनस 40 डिग्री, तो बेस का एंगल निकल कितना आया, ये आया 50 डिग्री, यानी कि बेस लाइन को ड्रॉ करूंगा 50 डिग्री एंगल पर। अब मुझे पता है कि जब मैं इसे इंक्लाइन करूंगा तो ये वाला D- पॉइंट कहाँ पर रहेगा, एक्स वाई लाइन पर, यानी कि HP पर रहेगा। तो यानी कि सेकेंड स्टेज में भी क्या रहेगा, D- कहाँ पर रहेगा, एक्स वाई लाइन पर रहेगा। तो एक्स वाई लाइन पर मैं D- मार्क कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने मन से किसी भी लेंथ पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया, जिसका नाम दे दिया मैंने D-। क्या नाम दे दिया मैंने यहाँ पे इसको, D- नाम दे दिया। अब यहाँ से मुझे कितना एंगल लेना है, आप समझ गए होंगे, मुझे इसकी बेस लाइन ड्रॉ करनी है और इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है 50 डिग्री। अभी निकाला था मैं 90 माइनस एक्सिस का एंगल, दैट इज़ 40 डिग्री। 90 माइनस 40 कितना एंगल हुआ, ये 50 डिग्री। तो 50 डिग्री पे मैंने पॉइंट मार्क किया। अब इस लाइन की लेंथ मैं ले लूँगा, अभी फ़िलहाल मैं एक लाइट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मुझे इसकी लेंथ नहीं पता। इसकी लेंथ मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कॉम्पास लूँगा और यहाँ से मैं इसकी लेंथ लूँगा और वहाँ पे जाके कट कर दूँगा। तो ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से उठाया, D- पर रखा और यहाँ पर कट कर दिया, मुझे इसकी लेंथ मिल गई। अब मैंने यहाँ एक पॉइंट मार्क कर लिया, आगे की लाइन जो है इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। जितना पोर्शन इस लाइन का है इसे मैं कर लेता हूँ डार्क। क्यों डार्क किया मैंने, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी वो लाइन डार्क है, जैसा यहाँ बना हुआ फिगर वैसा ही यहाँ बनाएंगे, यानी कि इसको कॉपी करेंगे, इंक्लाइन करके पेस्ट कर देंगे, बस इतना हो गया है। तो यानी कि ये D- है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा A-B-। अब बाकी दो पॉइंट बीच के हैं वो मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो A-B- से लेकर मैंने O2- तक का डिस्टेंस लिया कॉम्पास में, और मैंने A-B- पर रखा और यहाँ पे कट कर दिया। और एक बार A-B- से मैंने ये डिस्टेंस लिया C-C' का, A-B- को सेंटर लेते हुए यहाँ पे मैंने कट किया, यानी कि दोनों पॉइंट मुझे सही जगह पे मिल गए। ये वाला पॉइंट हो जाएगा O2- और ये पॉइंट हो जाएगा C-E'। अब मुझे क्या करना है, इसके फ्रेम को तैयार करना है। याद रखिए, हमेशा प्रिज्म और सिलेंडर में पहले फ्रेम को बनाया जाता है, और कोन और पिरामिड में पहले एपेक्स को ड्रॉ किया जाता है, यानी कि ओ पॉइंट निकाला जाता है, यही इसका सही तरीका है। अब मैं क्या देखूंगा यहाँ पे, ये लाइन से ये लाइन कितना एंगल मेंटेन कर रही है,
90 डिग्री, यानी कि ये लाइन से मुझे ये लाइन कैसे चाहिए, 90 डिग्री पर चाहिए, यानी कि मुझे ड्राफ्टर को इस पर सेट करना होगा। तो ड्राफ्टर लिया मैंने और ड्राफ्टर को मैंने इस लाइन पे सेट कर लिया, ड्राफ्टर को टाइट कर लिया। अब ये स्केल कैसा हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया। इसकी लेंथ कितनी थी, यानी कि हाइट कितनी थी, 50 थी। तो यहाँ से मैं कितना जाऊँगा आगे, 50, यानी कि यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से 50 लेंथ पर जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि मुझे यहाँ पर जाना है। ये लाइन कैसी होगी, ये लाइन डार्क होगी। यहाँ से 50 लेंथ पर मुझे जाना है, 50 लेंथ पर जाने से मुझे एक पॉइंट वहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला 50 mm लेंथ। तो जैसे ये पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। एक बार मैं ड्राफ्टर चेक कर लेता हूँ, ड्राफ्टर इज़ ओके, इन दोनों को आपस में मैं ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे मैं ज्वाइन करूँगा, इसका फ्रेम मुझे मिल जाएगा। और यहाँ से लाइन कैसी बनी थी, यहाँ से लाइन देखेंगे, ये लाइन सारी आपस में पैरेलल थी। तो इस पर मैं ड्राफ्टर चेक कर लेता हूँ, ड्राफ्टर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक्सिस की लाइन है। जैसी लाइन मैंने वहाँ ड्रॉ की थी पहले स्टेज में, लाइन वैसी ड्रॉ करेंगे, यानी कि एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे, और लाइन कैसी होगी, लाइट होगी। और ये लाइन कैसी ड्रॉ की थी पहले स्टेज में, डार्क ड्रॉ की थी, इसलिए मैंने इसको डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया। देखिए पूरा फिगर एज इट इज़ यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। इसकी नेमिंग कर देता हूँ, 1-2-, ये O1-, ये हो जाएगा 3-5-, ये हो जाएगा 4-। अब एक्सिस का एंगल लिखना है हमेशा, क्योंकि एंगल मुझे एक्सिस का मेंटेन करने के लिए कहा गया था। तो इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया लाइट लाइन से, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो एंगल लिख देता हूँ। तो कॉम्पास लिया मैंने, यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ किया और यहाँ पे लिख दिया जो भी इसका एंगल था, एंगल था 40 डिग्री। जैसे एंगल 40 डिग्री आया, मैंने क्या किया, ड्राफ्टर को फिर से एक्स वाई लाइन पर एडजस्ट किया। जैसे इसे एक्स वाई पर एडजस्ट करूँगा, ड्राफ्टर को यहाँ से मुझे लाइन ड्रॉ करनी है टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, यहाँ से भी ड्रॉ करनी है, यहाँ से भी मुझे ड्रॉ करनी है, यानी कि जितने भी पॉइंट मुझे मिलेंगे सारे पॉइंट से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर एक्सिस आपको ड्रॉ करना है तो एक्सिस को भी नीचे ले आए, यानी कि O1, O2- जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए थे उनको भी आप नीचे ले आएँ। और एक्सिस आपको ड्रॉ नहीं करनी है तो नहीं लाएँ, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ से मैं नीचे आगे लेके आया राइट की तरफ, यहाँ से लेके आया, यहाँ से देखूँगा तो ये एक्सिस का पॉइंट और ये D4 एक ही लाइन पर आएगा। A1 को लाया मैं और E5 को लाया मैं। अब फटाफट मैशिंग करूँगा मैं और इनकी लोकेशंस को निकाल लूँगा। A कहाँ मिलेगा मुझे, A यहाँ मिलेगा, दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, ये होगा पॉइंट C, आपको पता है कैसे करना है, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है पॉइंट E। 1, 2, 3 को देख लेते हैं, 1 कहाँ होगा, ये होगा 1 की लोकेशन, सॉरी ये नहीं है लोकेशन, ये है 1 की लोकेशन, ठीक है। इसे मैं रब कर देता हूँ, ये 1 की लोकेशन यहाँ पर है, ये है 2 की लोकेशन, 3 है यहाँ पर, दिस इज़ पॉइंट 3, दिस इज़ पॉइंट 4, और 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, दिस इज़ पॉइंट 5। O1 मार्क कर सकते हैं, दिस इज़ पॉइंट O1 एंड दिस इज़ पॉइंट O2, ठीक है। अगर एक्सिस ड्रॉ करनी है तो इन दोनों पॉइंट्स को नीचे ला सकते हैं। अब बात आ रही है इनको ज्वाइन कैसे करना है। ज्वाइन के लिए जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, एक बार मैं यहाँ से देखूँगा तो यहाँ से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ से मुझे देखने पर क्या नज़र आ रहा है कि ये वाला पूरा बेस मुझे ऊपर से देखने पर नज़र आएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 1, ये सब क्या करना है मुझे, डार्क करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 1 इनको मैं क्या करता हूँ, डार्क लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ। रीज़न क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ तो ये पूरा बेस मुझे नज़र आएगा, क्योंकि ये कौन सा व्यू बना रहा है, ये हम टॉप व्यू बना रहे हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से देखने पे मुझे क्या नज़र आएगा, कैसे नज़र आएगा, मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसका मतलब ये है कि ऊपर से अगर वो चीज़ विजिबल या बेस मुझे विजिबल है तो इसका मतलब ये है कि इसे मुझे डार्क बनाना चाहिए।
अब बात करते हैं बाकी के पोर्शन की, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से लूँगा। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखा तो क्या क्या नज़र आएगा? मुझे यहाँ से तीन बेस की एज नज़र आएंगी, कौन सी? ए ई, ए बी और बी सी। इन तीनों को मैं डार्क कर लेता हूँ। तो मैंने एक बार डार्क किया यहाँ पे ए बी को, मैंने डार्क किया यहाँ से बी सी को, मैंने डार्क किया यहाँ से ए ई को। तो मैंने ए ई को डार्क किया, मैंने बी सी को डार्क किया और ए बी को डार्क किया। अब क्या क्या स्ट्रेट एज नज़र आएंगी मुझे यहाँ से? देखो ये वाले पूरे पोर्शन देखूँगा तो ये मुझे नज़र आएगा ई फाइव दिखेगा, ए वन दिखेगा, बी टू दिखेगा, सी थ्री दिखेगा। यहाँ से मैं देखूँगा सी थ्री दिखेगा, यहाँ से देखूँगा ई फाइव दिखेगा, और इस रीजन से मैं देखूँगा तो ये दो और दिखेंगी, यानी कि चारों के चारों क्या होंगी? डार्क होंगी। सीक्वेंस वाइज मैं डार्क कर देता हूँ। एक बार डार्क कर रहा हूँ मैं ए वन को, तो ए वन को मैंने डार्क कर लिया। ए वन के बाद बी टू दिखेगा यहाँ से, तो बी टू को मैंने डार्क कर लिया। बी टू के बाद सी थ्री दिखेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पे सी थ्री को डार्क कर लिया। ये मैंने सी थ्री को डार्क कर लिया। सी थ्री के बाद ई फाइव है, मैंने ई फाइव को डार्क कर लिया। ये चारों डार्क हो गई हैं। देखते हैं यहाँ से देखने पर डी फोर दिखेगी क्या? बिल्कुल नहीं दिखेगी। यहाँ से ऊपर देखने पे मुझे डी फोर नज़र नहीं आएगी। और मैंने एक रूल बताया था आपको, डी फोर कहाँ है? डी ए है, फोर यहाँ है। यानी कि डी फोर अगर लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये वन टू को इंटरसेक्ट करेगी। और कभी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती है कि कोई लाइन, यानी कि कोई दो डार्क लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो एक डार्क लाइन रहेगी वहाँ पर और एक डैश लाइन रहेगी। इसका मतलब ये जो लाइन होगी डी फोर कैसी होगी? डैश लाइन होगी, ये पक्का कन्फर्म है। तो मैंने यहाँ पे इसको डैश लाइन से ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पे तीन पांचों के पांचों, एक दो तीन चार पांच, पांचों के पांचों स्ट्रेट एज बना ली हैं। एक बेस मेरा पूरा तैयार है जिसमें पांच साइड बना ली है मैंने। एक बेस मेरा पूरा तैयार है जिसमें मैंने फाइव साइड्स ड्रॉ कर ली हैं। अब ये बेस है जिसमें तीन साइड बना ली हैं, एक दो तीन, दो साइड बाकी हैं। कौन कौन सी बाकी हैं? ई से डी बाकी है। ई से डी को ज्वाइन करूंगा तो ए वन बीच में आएगी, यानी कि ये लाइन कैसी होगी? ये डॉटेड लाइन होगी। कैसी लाइन होगी ये? दिस विल बी अ डॉटेड लाइन। और यहाँ पे देखिए डी सी को ज्वाइन करूंगा, ये बी टू लाइन बीच में आएगी, यानी कि ये लाइन भी कैसी होगी? डॉटेड होगी। तो इस तरह से आप जो रूल मैंने बताए हैं उस तरीके से आप करेंगे तो कभी भी आपसे किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, ठीक है? अगर आप टॉप व्यू में देखेंगे तो ये कौन सा पॉइंट था? डी डैश था, जो मैंने एच पी पर लिया है। कब लिया है? जब इसकी एक्सिस को मैंने 40 डिग्री पे इंक्लाइंड किया है। तो आप देखेंगे टॉप व्यू में तो ये लाइन ई डी और डी सी आप देखेंगे कि सेम एंगल मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि अगर ये लाइन की बात करूं तो इस लाइन से ये दोनों एंगल क्या हैं? आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो क्वेश्चन में जो कंडीशन कही गई थी अपन से कि जो कॉर्नर आप एच पी पर ले रहे हो वो कॉर्नर से बनने वाली दो साइड जो हैं वो एच पी से सेम एंगल पे होनी चाहिए। तो टॉप व्यू में देखने पर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ई डी और डी सी ये दोनों लाइन हैं यहाँ से सेम एंगल बना रही हैं। इसका मतलब ये जो कंडीशन क्वेश्चन में अवेलेबल थी हमने उसको सेटिस्फाई कर दिया है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहीं पर ख़त्म होता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।